हेलो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं पोलिनोमिल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोलिनोमल जैसा कि आपने पढ़ा होगा बच्चों वैसे तो काफ़ी इजी टॉपिक है आपका पोलिनोमेल और पोलिनोमिल के अंदर जैसे अपन स्टार्टिंग करते हैं तो पहले मैं इसका बेसिक समझा देता हूँ आपको क्या होता है हमारा पोलिनोमेल पोलिनोमियल एक तरीके से एल्जेबिक एक्सप्रेशन होते हैं बच्चों जो इस फॉर्म में होते हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा सपोज करें अपन पी ऑफ एक्स को अपन अज्यूम करके चले पॉलिनोमियल को सबसे पहली बात तो अपन किसी पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और पी ऑफ एक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगी आपकी ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन इस तरीके से कंटिन्यूसली डिक्रीज में चलते 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 लास्ट में आएगा आपका ए वन एक्स वन और ए नॉट एक्स नॉट इस तरीके से एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी है ना अच्छा पोलिनोमियर और पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं अच्छा पॉलिनोमियल और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है बच्चों कि यहाँ पे जो जब आप एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते हो जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ते हो तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है और लेकिन जो उसकी पावर होती है बच्चों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट होता है एक आपका और एक होता है आपका वेरिएबल की जो पावर होगी वो यदि रियल नंबर है आपकी तो इसका मतलब वो क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा पर यदि आपका कॉन्स्टेंट है और एक वेरिएबल है आपके पास में और यदि उसकी पावर आपकी हॉल नंबर है तो इसका मतलब जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो कहलाएगा आपका एक पॉलिनोमियल तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा बच्चों कॉन्स्टेंट और वेरिएबल यहाँ पे भी होगा पर इसकी पावर क्या होगी रियल नंबर और यहाँ पे पॉलिनोमल की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल होगा लेकिन इसकी पावर क्या होगी एक होल नंबर होगी कहने का मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव आ रहे होंगे यदि पॉइंट फाइव थ्री बाई टू फाइव बाई टू इस तरीके से आए तो वो सिर्फ एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लाएगा आपका तो चलिए अपन इसमें आगे की तरफ देखते हैं कि जैसा कि आप इसके अंदर दो टाइप की थ्योरम्स होती है एक तो होती है अपनी रिमाइंडर थ्योरम और होती है हमारी फैक्टर थियोरम फैक्टर थ्योरम हमारी क्या बोलती है बच्चों कि कोई भी नंबर जैसे कि मान लो कोई भी नंबर यदि आपका डिविजिबल uh, है किसी अदर जैसे कि आएगा अपना जीरो ठीक इसी तरीके से अपन यहाँ पे भी एक फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड करते हैं यहाँ पे बोला गया है कि डिटरमाइन वेदर एक्स माइनस where uh, x 3 is a factor of this polynomial x 3 is a factor of polynomial तो so, बात करते हैं क्या x 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है तो जिस तरीके से अपन ने 6 को डिवाइड किया uh, 2 से वो 3 टाइम कंप्लीट डिवाइड हुआ तो उसके अंदर रिमाइंडर कितना बचा था जीरो ठीक उसी तरीके से अपन रिमाइंडर थ्योरम से x 3 का uh, यहाँ पे जो अपन को टर्म गिवन है बच्चों वो एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर है या नहीं है इस बात को चेक करने के लिए सबसे पहले अपन एक्स माइनस थ्री जो है यदि मैं पी ऑफ के अंदर रखूं और वो जीरो के इक्वल आ जाता है क्या बोला अपन ने कि एक्स इज इक्वल टू थ्री को P of 3, इस एक्स की जगह पे थ्री पुट करें और यदि वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोम इक्वल टू जीरो होता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर कहलाएगा अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा देखते हैं चलो है या नहीं है चेक करते हैं पी ऑफ थ्री पता करते हैं बच्चों अपन पहले देखो एक्स की जगह पे जब आप 3 पुट करोगे तो देखो 3 की पावर में क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे अपन रखेंगे थ्री का स्क्वायर प्लस फोर थ्री माइनस ट्वेल्व अब यहां से देखना थ्री का क्यूब कितना होता है बच्चों ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन देखो थ्री का स्क्वायर कितना नाइन और नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी सेवन प्लस फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व तो देखो कहने का मतलब ट्वेंटी सेवन प्लस का और ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से ट्वेल्व प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर फाइनली आपका कितना आया जीरो इसका मतलब क्या हुआ पी ऑफ थ्री की वैल्यू ऑफ पोलिन वैल्यू एक्स इज इक्वल टू थ्री पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमल क्या आया आपका जीरो तो आप लोग रिमाइंडर थ्योरम में अपन uh, ये जानते हैं कि यदि किसी का रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो वो उसका एक्स माइनस थ्री फैक्टर जब भी आपको ये चेक करना है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है लीनियर वो आपका इस गिवन पोलिनोम का फैक्टर है या नहीं है तो आप क्या करोगे इस एक्स इज इक्वल टू थ्री वैल्यू को इसमें पुट करोगे यदि जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर कहलाएगा अदरवाइज नहीं होगा क्या होगा एक्स इज इक्वल टू थ्री रखने पर इस में जब आप करो, यदि वो उसकी वैल्यू को वैल्यू ऑफ पॉलिमिल को जीरो दे तो नहीं होगा चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन काफी इजी क्वेश्चन था वो तो फैक्टर और रिमाइंडर से अब देखते हैं अपन कुछ बेहतर क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका वन अपॉन में एक्स प्लस वाईक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई देन द वैल्यू ऑफ दिस अपन को बताना है कि सब ये ये कोई गिवन एक्सप्रेशन है तो आपको वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बताना है तो आप क्या करोगे बच्चों सबसे पहले आपको गिवन क्या है यहाँ पे ये देखो आप तो गिवन क्या है मैं वन अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है वन अपॉन में एक्स प्लस वन अपोन में वाई देखो यहां पे अपन काम करते हैं इसको एक्स प्लस वाई एक्स वाई का एल्सियम लेंगे तो एक्स वाई ऊपर बचेगा अपने पास में y प्लस एक्स क्रोस मल्टीप्लाई करेंगे जब अपन इसको तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इधर भी क्या वैल्यू आ रही होगी आपकी एक्स वाई यहाँ से देखना बच्चों इसको अपन एक तरफ कर लें, उस साइड को इस इधर ट्रांसफर कर दे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई में से एक्स वाई को माइनस कर देंगे इक्वल टू जीरो तो कहने का मतलब क्या एक्सप्रेशन बचा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस <coughs> सॉरी देखना जो एक्सप्रेशन बचा बच्चों आपके पास में वो क्या बचा प्लस टू जीरो ऐसा लगता है वैल्यू कि कि क्या होती है आपकी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस वाई ब्रेकिट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो यहां से देखना आप बच्चों ये ये एज एज इट इज इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो तो यही एक्सप्रेशन अपन को यहां दिखाई दे रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देंगे अपन जीरो और जीरो से कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जीरो से कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी जीरो तो कुल मिला के जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में जीरो अब से देखना बच्चों आप यदि आपको पता चल गया कि क्यूग वाई क्यूग वाई इक्वल जीरो है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या बराबर किसके वाई क्यूब के तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या अपने पास में यहां से एक्स इक्वल टू वाई निकल के आ गया और जैसे आपको पता चला किस इक्वल टू वाई है तो अपन इस एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं इस एक्सप्रेशन को लेके चले तो मैं एक्स की जगह पे क्या y पुट कर दें या फिर y की जगह पर अपन x पुट कर देते तो x अपॉन में x की पावर में सिक्स प्लस x अपॉन में x की पावर थ्री देखो यहाँ पे कितना हो गया कैंसिल हो गया वन की पावर सिक्स प्लस वन की पावर थ्री तो कहने का मतलब वन की पावर कुछ भी करो हमेशा वैल्यू वन ही आएगी तो वन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर टू तो यहाँ से जो अपना आंसर निकल के आया बच्चों वो आंसर होगा आपका डी आंसर नंबर टू क्वेश्चन क्या था अपना ये एक्सप्रेशन था और हमें इससे इसकी वैल्यू पता करनी थी सबसे पहले अपन ने इनको सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई करके अपन कुछ एक्सप्रेशन को लेके आए तो अच्छा इसे एक्सप्रेशन थोड़ा जाना पहचाना लगा तो अपन ने क्या किया करा इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को देखा और इसको आ, इसका जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया हमें पता चला कि साहब इसकी वैल्यू तो जीरो होती है तो जैसे जीरो एक किसी के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होकर जीरो बना दिया और फाइनली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या गया जीरो के बराबर तो यहाँ से एक्स और वाई आपस में इक्वल आ गए और जैसे इक्वल आए बच्चों उसको अपन ने एक्सप्रेशन में पुट किया और आंसर लेकर आ गए तो तो ये तो था uh, काफी इजी क्वेश्चन था इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे प्रूव दैट द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी मतलब ए बी सी की हर वैल्यू के लिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव ये हमेशा क्या होगा आपका नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव का मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा अच्छा पॉजिटिव या जीरो होने के लिए इस एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं बच्चों अपन एक्सप्रेशन क्या है आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये कोई एक एक्सप्रेशन है आपके पास में अच्छा तो अपने काम करते हैं इसको मैं आ, इस एक्सप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए मैं काम करता हूँ इसको सबको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करते हैं है। उससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों आपका यदि आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करोगे तो मैं ये जानता हूँ कि सब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है अब ये तीनों के जो स्क्वायर है क्या ये वैल्यू ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा अच्छा इन तीनों पॉजिटिव का जब आप सम करोगे तो वो भी क्या आएगा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ठीक ये इसी फंडे को अपन यहाँ अपनाने की कोशिश करते हैं बच्चों अपन कैसे यूज में लेंगे देखते हैं देखना यदि मैं इसको टू बाय टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या नहीं होगी क्योंकि अपन ने दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में अप्लाई किया अच्छा जैसे ही मैं अपन इसको वन बाय टू को रहने देते हैं बच्चों ऊपर वाला जो है टू अंदर एंट्री दिलाते हैं इसको तो जैसे ही इसको अंदर एंट्री दिला, दिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए इस तरीके से टर्म निकल के आएगी आपके सामने तो यहाँ देखना माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी एम अच्छा एक बात पे गौर करना आप कि यहाँ पे अपन इसको वन बाई टू लिख रहे हैं और यहाँ पे देखो कितने ए छुपे हुए हैं यहाँ पे दो ए छुपे हुए हैं दो ए स्क्वायर छुपे हुए सॉरी तो दो ए स्क्वायर तो मैंने एक ए स्क्वायर को लिखा यहाँ पे भी दो बी स्क्वायर है तो उसमें भी वन बी स्क्वायर को लिया और माइनस के टू ए बी यहाँ लिख दिया अब यहाँ गौर करना बच्चों ये कुछ एक्सप्रेशन जो है अपन को फॉर्मूले की तरह दिखाई देगा ठीक इसी तरीके से अपन आगे के एक्सप्रेशन भी बनाते हैं देखो यहाँ पे अपन ने एक बी स्क्वायर तो यहाँ यूज में ले लिया दूसरा बी स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ इधर से भी एक सी स्क्वायर को ले लिया और माइनस टू सी ए को लिख दिया है ठीक इसी तरीके से अपन क्या करेंगे इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक मिनट यहाँ पे अपन ने बी और सी को यूज में लिया तो अपन टू बी सी को लिखते हैं और यहाँ पे स्क्वायर है ठीक तो इस दे इसी तरीके से देखो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी का मतलब हो गया बी मा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपन ने यहाँ पे भी गलत साइन गलत लगा दिया इसका ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर तो देखो यहाँ पे अब क्या क्वांटिटी निकल के आ रही है बच्चों देखो यहाँ पे भी एक स्क्वायर स्क्वायर क्वांटिटी क्वांटिटी और या तो जीरो होती है या जीरो से बड़ी होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती चलो यहां पे भी एक स्क्वायर क्वांटिटी तो ये भी या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी ठीक इसी तरीके से ए माइनस सी भी क्या होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा तो कहने का मतलब ये तीनों रिजल्ट जो है वो कैसे आ रहे होंगे आपके पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और तीन पॉजिटिव क्वांटिटी को आप ऐड करोगे तो क्या होगा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो इसने बोला था क्वेश्चन ने अपन को कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एबीसी एबीसी की हर वैल्यू के लिए दिस एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा ये प्रूफ करके बताओ तो अपन ने प्रूफ करके बताया कि सब तीन क्वांटिटी है और तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का आप सम करोगे तो वो हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें अपने पॉजिटिव प्रूफ करना था अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर सच दैट इस तरीके से अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस वन वाई माइनस टू और जेड माइनस थ्री दिया हुआ है आपको वो जीरो के इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू मतलब एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होगी यदि एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको तो आप कैसे सोल्व करोगे देखना एक चीज को जानना बच्चों आप कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्स या वाई दिखाई दे आपको जैसे कि सपोज करें एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है अंडर रूट के अंदर कोई भी एक वेरिएबल दिखाई देता है तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है बच्चों या तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा या हमेशा इक्वल टू जीरो होगा कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता हमेशा इसके अंदर नेगेटिव कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है या तो रूट के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा पर नेगेटिव कभी भी नहीं होगा तो इसका मतलब यह है साहब कि तीन क्वांटिटी है तीन क्वांटिटी इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी गिवन है अपन को एक्स माइनस वन प्लस अंदर रूट के अंदर वाई माइनस टू प्लस रूट के अंदर जेड माइनस थ्री ये तीन क्वांटिटी गिवन है बच्चों आपको इन तीन क्वांटिटी में आप, आप गौर करना यहाँ पे जो बोला गया है कि एक्स माइनस और तीन क्वांटिटी है वो किसके इक्वल दी हुई है यहां अपन को जीरो के बराबर तो देखना एक चीज पे गौर करना बच्चों आप जो रूट के अंदर एक्स माइनस वन है या तो हमेशा इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा या फिर यूं बोल सकते हैं अपन कि जो भी अंदर अंडर रूट के अंदर नंबर है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो के इक्वल होगा अब देखना दूसरी बात माइनस टू जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा ये एक्सप्रेशन या तो या फिर जीरो के बराबर होगा सेम इसी तरीके से जेड माइनस थ्री या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या जीरो के इक्वल होगा अब आप एक चीज को पे गौर करना कि यार तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम क्या आ रहा है तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम क्या आ रहा है जीरो आ रहा है जैसे यहां पे भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव और तीन तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो तभी पॉसिबल है जब तीनों ही जीरो तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो कब पॉसिबल है जब तीनों ही जीरो तो देखो यदि इसको इस पोजीशन इस, इस को जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको जीरो के लिए x 1 को जीरो बनाओ तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी वन ठीक इसी तरीके से इसको जीरो बनाने के लिए आपके को क्या करना पड़ेगा वाई माइनस टू को ज़ीरो के बराबर तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी टू ठीक इसी तरीके से जेड माइनस थ्री को क्या करना पड़ेगा आपको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा इसलिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी थ्री तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कब जीरो होगी मतलब ये तीनों क्वांटिटी जो है वो जीरो कब होगी जब एक्स की वैल्यू बन हो वाई की वैल्यू

आपको 2019 थाउजेंड यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और -19 आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है तो इसको सोल्व करते हैं अपन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों अपन 2000 जो 19 है एक काम करते हैं इसको बार बार ऐसा लिखने के बजाय इसको मैं a से डिनोट कर देता हूँ किससे डिनोट कर देता हूँ a से तो आपका जो 2019 थाउजेंड है वो क्या हो जाएगा आपका इसको आप क्या लिखोगे ए की पावर माइनस या फिर आपको ऐसे ऐसे समझो इसको 2019 की पावर यदि आप x लेते हो तो बच्चों देखना तो यहां से मैं इस a को नीचे लेके जाए अपन या फिर यू कहें देखो 2019 को अपन माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं वन अपोन में 2019 की पावर में एक्स ऐसा लिख सकते हैं अपन और इसको जस्ट अभी अपन ने लिखना सीखा है इसको तो अपन ने किया हुआ है तो कहने का मतलब 2019 की पावर में एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो ए प्लस इसको ऊपर लेके जाओगे तो ए माइनस वन लिख सकते हैं तो ए प्लस ए इनवर्स या फिर यू कहें अपन इसको लिखेंगे अपन a प्लस वन ए इस एक्सप्रेशन को आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है और इसकी जो इक्वल टू करके वैल्यू गिवन है आपको इसकी जो इक्वल टू करके है, वो है बच्चों थ्री। इस की वैल्यू कितनी है थ्री ठीक इस इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को आपने ऐसे भी लिख, लिख सकते हो और इसकी वैल्यू कितनी है थ्री तो देखो इसको आगे की तरफ बढ़ाए आगे सोल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को अपन यहाँ देखना आप, आपको दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर देखो 2019 की पावर में यहाँ दिया हुआ है आपको 6x 6x का मतलब यह है कि यदि मैं इसमें 2019 की पावर में x को बाहर निकाल लूं तो उसको अपन a लिख सकते हैं और इसकी पावर में क्या है 6 है ठीक इसी तरीके से यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या नहीं होगा इसी तरीके से अपन a 1 a लिख सकते हैं इसको अब यहां देखना बच्चों आप जो ए की पावर में सिक्स है और वन अपॉन में ए की पावर में सिक्स है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना ए स्क्वायर की पावर में थ्री माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर की पावर में थ्री अच्छा ये किसका फॉर्मूला बन गया आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बी क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है तो अपन एक काम करेंगे इसको इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए माइनस बी ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए इंटू बी करोगे तो आप क्या करोगे बच्चों ए स्क्वायर डॉट वन अपन में ए स्क्वायर तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में जो ए की पावर सिक्स है और वन अपॉन ए की पावर सिक्स है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में A की पावर सिक्स माइनस में वन अपॉन ए की पावर सिक्स की क्या वैल्यू आ गई आपके पास में ए स्क्वायर माइनस वन अपन में ए स्क्वायर ब्रेकिट में एक ही पावर फोर प्लस वन अपॉन में एक ही पावर फोर और प्लस वन ये वैल्यू निकल के आई है आपके पास में है ना यहाँ से कैंसिल हो जाएगा वन बचेगा अच्छा अब बात करते हैं अपन अपने, अपने मेन क्वेश्चन की तरफ जैसे ही आपके पास में इसकी वैल्यू आई बच्चों इस एक्सप्रेशन को अपन पुट कर देंगे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है वहां पे एक की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन में एक की पावर सिक्स और a माइनस वन अपॉन में a देखो इसको सोल्व करते हैं बच्चों अपन यहाँ इसकी वैल्यू कितनी निकाल के लेके आए अपन ए स्क्वायर माइनस में वन अपॉन में ए स्क्वायर ब्रेकेट में है आपका ए की पावर फोर प्लस वन अपॉन में a की पावर फोर प्लस वन इस तरीके से ये एक्सप्रेशन निकल के आया आपका और नीचे क्या है ये अंडर रूट आपका नीचे तक है और नीचे आपका इंतजार कौन कर रहा है ए माइनस वन में ए अब यहां देखना बच्चों इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है तो इसको भी अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह आ, ब्रेक करके लिख सकते हैं देखो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं ए प्लस में वन अपोन में ए ए माइनस वन अपन में ए और ब्रेकेट में है आपका ए की पावर फोर प्लस वन अपोन में ए की पावर फोर प्लस वन अपोन में ए माइनस वन अपोन में ए देखो ये सेम टर्म होने से सेम टर्म कैंसिल होगी तो बचा क्या आपके पास में आपके पास में बचेगा बच्चों a प्लस वन अपोन में a ब्रेकेट में है आपका a की पावर फोर प्लस वन अपोन में a की पावर फोर प्लस वन ये टर्म आपके पास में बचे बच्चों तो इस टर्म को अपन आगे की तरफ सॉल्व करते हैं देखो अब अपन को a प्लस वन अपॉन ए की पावर की क्या वैल्यू गिवन है आपको थ्री वे थ्री वैल्यू पता है साथ ही साथ अपन को क्या पता करना है बच्चों इसके अंदर की पावर फोर प्लस वन अपॉन ए की पावर फोर इसकी वैल्यू क्या होगी तो देखते हैं अपन इसको कैसे पता करेंगे यहां देखना स्क्वायर 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 प्लस अपॉन में को यदि मैं A कर दूं बच्चों तो क्या बेनिफिट होगा अपन को कि इसकी वैल्यू होगी आपकी एक की पावर फोर प्लस वन अपॉन में ए की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर डॉट वन अपॉन में ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में इसको आगे क्या लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन में होल स्क्वायर माइनस में टू इज इक्वल टू जाएगा आपका ए की पावर फोर प्लस में A की पावर four. ये एक्सप्रेशन निकल के आ, आएगा आपके सामने तो जैसे आपको पता चला कि साहब ए की पावर फोर प्लस वन अपॉन ए की पावर फोर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस वन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू तो उस वैल्यू को अपन कहा यूज में लेंगे ये अलग से वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं अपन इस चीज की इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां देखना बच्चों इस पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन का ए की वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आ रही है आपके पास में एक्सप्रेशन है कुछ ये वाला ए प्लस में वन अपॉन में ए ए स्क्वायर सॉरी ए की पावर फोर प्लस वन अपॉन में ए की पावर फोर प्लस वन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास में आ रही है ए प्लस वन अपॉन में ए अच्छा ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है ये क्या वैल्यू दे रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू और बाकी प्लस वन ये एक्सप्रेशन निकल के आया बच्चों आपके पास अच्छा एक और चीज इसमें थोड़ा सा और भी आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है बच्चों इसकी वैल्यू भी आपको पता करनी पड़ेगी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये पर इजी है देखना ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू थ्री इसकी वैल्यू पता करते हैं यहां से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करते हैं देखो अपन एक काम करते हैं बच्चों दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ स्क्वायर बोथ साइड क्या कर देंगे अपन स्क्वायर बोथ साइड इससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों आपको जैसे आप स्क्वायर बोथ साइड करोगे वन अपॉन ए का स्क्वायर और इधर थ्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर कितना नाइन तो देखो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू वन अपॉन में ए इज इक्वल टू नाइन तो देखो यहां से देखना इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर क्या निकल के आया अपने पास में नाइन माइनस टू तो कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में सेवन और जैसे ही ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई अब देखो सारा कुछ सिंप्लीफाई हो चुका इसकी है इसकी वैल्यू अपन जानते हैं थ्री गिवन है आपको स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू अभी जस्ट निकल के आई है आपके पास में सेवन का स्क्वायर और यहाँ माइनस टू प्लस वन क्या होगा माइनस वन तो इस फाइनली जो अपना रिजल्ट आया वो थ्री इंटू आप क्या कर सकते हो फोर्टी नाइन माइनस वन मतलब 48 तो कहने का मतलब कितना निकल के आया 144 इसका मतलब अंडर रूट 144 होता है 12 यहां से थोड़ा सा आपको अलजेब्रिक uh, आइडेंटिटीज को यूज में लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका जो आंसर आया वो आया क्वेश्चन ऑप्शन डी 12 आंसर होगा बच्चों आपका कैसे किया आपने सबसे पहले तो इसको ए अज्यूम किया तो ये क्या हो गया ए इनवर्स हो गया मतलब ए 1 ए की वैल्यू आपको 3 गिवन थी साथ ही साथ आपको पता करना है एक्सप्रेशन की की वैल्यू तो आपने देखो इसकी जगह जगह पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों अप्लाई तो करने के उसका फॉर्मूला ये निकला तो आपने इसकी जगह पे इसको पुट किया और ए माइनस वन बाई फोर अच्छा ये वाली क्वांटिटी को भी आप अभी फैक्टराइज कर सकते हो तो इसको जब आपने फैक्टराइज किया तो ये टर्म से ये कैंसिल हो गई साथ में अब क्या बचा आपके पास में ए प्लस वन अपन है और ए इसकी पावर फोर प्लस वन अपन ए की पावर फोर प्लस वन अब देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लाने के लिए मैंने क्या करा कि ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर किया इससे क्या हुआ ए की पावर फोर वन पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर वन अपन ए तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो क्या बचा अपने पास में ये क्वांटिटी बची अब देखना यहाँ से 2 जब उधर ट्रांसफर किया तो क्या वैल्यू आ गई ए की पावर 4 वन अपन ए की पावर 4 की ये यहाँ से इस वैल्यू को आपने कहाँ पुट कर दिया बच्चों इस वैल्यू को आपने पुट किया इस एक्सप्रेशन में इस इसकी जगह पे आपने इसको पुट किया और जैसे ही पुट किया तो आपके पास में जो रिजल्ट निकल के आया कि आपको इसकी वैल्यू और निकालनी थी इसकी वैल्यू और निकल निकालनी थी तो इसके लिए आपने क्या करा ए प्लस वन अपॉन ए का स्क्वायर किया यहां से इस क्वांटिटी का जब आप स्क्वायर करोगे तो वहां से A square plus one upon A square की वैल्यू क्या आ गई आपके पास सेवन और जैसे आपके पास में सेवन निकल के आया बच्चों यहां सेवन पुट कर दिया तो सेवन का स्क्वायर माइनस वन कितना हो गया थ्री इंटू फोर्टी एट थ्री इंटू फोर्टी एट करोगे तो वन 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 डबल फोर आएगा और उसका अंडर रूट जो है वो क्या आएगा आपका ट्वेल्व तो ये था आपका क्वेश्चन पोलिनोमल के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो आप अपन ने आज देखे इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में तब तक के लिए थैंक यू